27 नवंबر 2020 यानी करीब एक साल से नए कृषि कानूनों के विरोध में बैठे अन्नदाता को आज पीएम के संबोधन के बाद बहुत राहत और खुशी मिली है। किसान इसे अपनी बड़ी जीत बता रहे हैं। वहीं इस संबोधन के बाद चरखी दादरी में फोगाट खाप की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा जजपा के विरोध के बारे में चर्चा की गई और आगामी पंचायत पर इसका फैसला छोड़ा गया। वहीं खाप प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा कृषि कानूनों को वापस लेने का फैसला सराहनीय है, लेकिन कृषि कानूनों को संसद में कानूनी रूप से रद्द करने के बाद ही किसानों की असली जीत होगी। वहीं उन्होंने कहा कि किसानों की एमएसपी गारंटी की मांग को भी सरकार को पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री के इस फैसले का स्वागत करते हैं और पिछले एक साल से बॉर्डर पर बैठे किसानों को राहत मिली है और हमारी जीत हुई है। सबसे पहले तो मैं हमारे तमाम जो मीडिया वाले भाई हैं, जो पत्रकार भाई हैं और जो भाई अखबार वाले हैं, सोशल मीडिया वाले भाई हैं, इन सब की मेहनत से आज भाई जैसे राष्ट्र के नाम संदेश में प्रधानमंत्री साहब ने इन तीनों कृषि काले कानूनों को रद्द करने के बारे में जो बात बताई है, देखो इसका हम स्वागत करते हैं, बड़ी खुशी की बात है। और जैसा कि भाई देखो है, ये तो तभी माने जाएंगे तब जैसे भाई 29 तारीख को पार्लियामेंट का सेशन है उसका, उसमें उनको रख के कानूनी रूप से इनको निरस्त किया जाए। और किसानों की तो दो मांगे थी भाई, एक तो तीनों काले कानून निरस्त किए जाए और एमएसपी की भाई कानूनी रूप से गारंटी दी जाए। तो भाई इतने शहीद हो गए हमारे किसान, 800 के करीब किसान हमारे शहीद हो गए। तो भाई यही है कि भाई सारे उन किसान शहीदों की आत्मा को शांति तभी मिलेगी तब भाई इनको कानूनी रूप से पार्लियामेंट में इनको रद्द करवाया जाए और एमएसपी की गारंटी दी जाए। हाँ बिल्कुल, ये तो देखो भाई है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आज ये बात कही है। एक साल में पहली बार वो किसान आंदोलन पे बोले हैं, तो इसमें हमें खुशी भी है कि भाई उनके मुँह से बात जो निकली है तो भाई कहीं ना कहीं उन बातों को मतलब अमली जमा पहनाना चाहिए सरकार ने। सुबह से ही प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद किसानों के चेहरे खिले हुए हैं। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा के कई समूहों के अलग अलग मुद्दे और अलग अलग मांगे भी हैं, जिन्हें भी पूरा करवाने की बात कह रहे हैं। वहीं बात करें तो प्रधानमंत्री ने आगामी संसदीय सत्र में कानूनों को रद्द करने का दावा किया है। सत्य खबर के लिए चरखी दादरी से अशोक कुमार की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।